उसने कहा, राजकुमारी जब तुम पोस्टर खरीद रही हो तो मेरे पास एक और शानदार पोस्टर है, ये भी ले लो तुम। राजकुमारी ने कहा, दिखाओ किसका है। और उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। उसने, ये कौन है, इनको नहीं जानती तुम। आलमगीर जहां पना औरंगजेब, बादशाह मुगलिया सल्तनत, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की फोटो है। उसने कहा, अच्छा औरंगजेब ये है क्या, दे दे ये भी दे दे। उसने फोटो लिया, फोटो लेके सारे फोटो के उसको रुपए दिए, बुढ़िया को जितने फोटो थे वो बूढ़ी महिला को उसको रुपए दिए। फिर अपनी सहेलियां जो पास में बैठी हुई थी उन सहेलियों को उसने कहा कि ये फोटो है, इस फोटो पे सब जूतियां मारो। सब सहेलियों ने उस पर जूतियां मारी, जूतियां मारी तो फोटो फट गया। फोटो फट गया तो उसने उस बूढ़ी महिला को दे दिया और बूढ़ी महिला को उसके टुकड़े दे के कहा कि औरंगजेब को जाके दे देना, कहना चारूमती ने फाड़ा है। बुढ़िया दिल्ली गई, दिल्ली जाके उसने औरंगजेब को कहा कि साहब ये आपका फोटो है। चिंदी चिंदी कर दी इसकी। किसने? तो साहब को चारूमती नाम की राजकुमारी है रूपनगढ़ की, और उसने ये किया है। और कहा और है कि जाके तुम्हारे औरंगजेब को दिखा देना। और तोबा तोबा, मैं तो बता भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकती कि लड़की होगी कैसी कैसी गालियां निकाल रही थी आपको। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने कहा अच्छा। औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ के लैंडलाइन पर फोन किया कि मैं इतनी तारीख को चारूमती से ब्याह करने के लिए आऊंगा। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करते। औरंगजेब को मना करो 2 मिनट में ईंटें उखाड़ के रख दिया। उन्होंने कहा साहब आओ उसे 2 दिन पहले मिस कॉल करना, हलवाई बिठा लेंगे, और तो क्या ही करें। ये बात चारूमती को पता चली कि मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं, औरंगजेब। उसने अपने भैया को पापा को मना किया कि ना मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी, और तुम किससे पूछ के मेरी शादी औरंगजेब से कर रहे हो। भैया ने कहा तू किससे पूछ के पोस्टर फाड़ रही थी, तेरे चक्कर में कांड हुआ है ना, पोस्टर फाड़े ना कोई लफड़ाओ ना औरंगजेब धमकियां दे ना अपने को ब्याह करना पड़े। और उसने कहा कि आप कर दिया हो तो कर दिया, पर मैं ब्याह नहीं करूंगी औरंगजेब से। भैया ने समझाया कि देख तू नहीं करेगी, औरंगजेब अटैक करेगा। औरंगजेब अटैक करेगा तो जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा, सेना जो आएगी खुरंजी करेगी, लूटमार करेगी, साधारण जनता की लड़कियां उठा उठा के ले जाएंगे। राजा का पहला कर्तव्य जनता बचानी होती है, और यदि जनता की लड़कियों को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है। इन सब को बचाने के लिए जरूरी है कि एक तेरा ब्याह उसके साथ कर दिया जाए। उसने कहा यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते ना तो मैं खुद कर लूंगी। तो भैया को गुस्सा है, भैया ने कहा वह कर ले, तो जो करे तेरे मन में वो आए, पोस्टर भी तू अपने हिसाब से फाड़ रही थी, रक्षा भी अपने हिसाब से कर ले। अब चारूमती सोचेगी कौन रक्षा कर सकता है। तभी चारूमती को याद आया कि राणा राज सिंह ने ऐलान करवा रखा है कि यदि किसी हिंदू राजकुमारी के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो एक मैसेज मेरे को कर दिया जाए। पहले तो उसने कहीं से राज सिंह जी के व्हाट्सएप नंबर कबाड़े, फिर राज सिंह उसने मैसेज किया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। उसने लिख के भेजा कि राणा राज सिंह जी औरंगजेब मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता और मैं औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी को उठाकर ले गए थे, कुछ उसी प्रकार आप मुझे औरंगजेब के खिलाफ और उठाकर ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। ऐसे मैसेज राज सिंह के पास आते ही रहते थे। राज सिंह ने पहले डीपी चेक की, लगा कि ठीक, राज सिंह ने वापस भेजा थम्स अप। राज सिंह ने कहा कि शादी वाला कार्ड भेज दो, चाक बहात लगन किस तारीख को है, औरंगजेब की बरात आएगी उससे पहले पहले अपने आ जाएंगे। अब राज सिंह ने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि भाई औरंगजेब इधर अपने जाएंगे देख। उससे थोड़े दिन पहले मैंने एक जगह बताई जीलवाड़ा, जीलवाड़ा, उस जीलवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है रूपनगर, कौन सी जगह है, वहां की राजकुमारी थी चंचल कुमारी। उस चंचल कुमारी से भी औरंगजेब ब्याह करना चाहता था, राज सिंह पहले जाके करके आ गया। तो औरंगजेब बिफर गया, औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका हुआ, वहां भी तू यहां भी तू, भाई भाई कोई मिल बांट के करते हैं। राज सिंह ने कहा आगे वाला नंबर तेरा, इस बार डीपी देख ली है, देख ली है, अब कंट्रोल नहीं है देख, तू यहां ब्याह मैं करूंगा, बाकी का देख लेंगे आगे, आगे 2 मौके तेरे को दे दिए जाएंगे। औरंगजेब ने कहा तो ठीक है, इस बार अपने तो भाई खुद की ईगो की बात है, और उसने यार मेरी फोटो फाड़ के फेंक दी थी, और इस बार अपने दोनों करेंगे लड़ाई, और जो लड़ाई में जीतेगा उससे ब्याह हो जाएगा। राज सिंह ने कहा इसके लिए तो सिग्नल तोड़ ताड़ के, तुम कहे वैसे वो वाली फीलिंग है अपने। तो औरंगजेब ने कहा मैं दिल्ली से आर्मी लेके आऊंगा, तू अपने मेवाड़ से आर्मी लेके आ जाना,
और जो जीत जाएगा उससे ब्याह हो जाएगा। राशि निकाची, अब भाई शादी का दिन नजदीक आया, शादी का दिन नजदीक आया तो अब लड़ाई करने जाना पड़े, तो सामंतों को सबको इकट्ठा किया, बड़े बड़े मंत्री वंत्री बिठाए, और मंत्रियों को बिठा के राज सिंह जी बड़े गंभीर मुद्रा में बोले कि एक अबला नारी अपने को पुकार रही है। मंत्री मन ही मन सोचे कि सर आपको हर तीसरी आजकल अबला नहीं लगती, इस मामले में थोड़े ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे हो आप। मंत्री वर्ग बोले तो क्या, मन ही मन बात सोचे बिचारे, हाँ हाँ बताओ साहब, राणा जी बताओ क्या करना है। कहा रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है और मैंने वचन दिए हैं कि मैं उसे शादी करूंगा, औरंगजेब को उसे शादी नहीं करने दूंगा, कर लो क्या दिक्कत इसमें, हमसे क्या पूछना है। कि नहीं, उस दर से औरंगजेब की सेना आएगी और आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तब तक लड़ना है जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, मेरे फेरे होते ही मैं खुद आ जाऊंगा, पर जब तक मेरे फेरे नहीं हो औरंगजेब की सेना अजमेर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अजमेर वाली घाटी के अंदर रोके रखनी है, उधर किशनगढ़ की तरफ आनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा साहब ठीक है, चिंता ही मत करो, सेना लड़ लेगी जाके, आप तो आराम से फेरे करना, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, औरंगजेब को हम अजमेर से आगे इंच नहीं बढ़ने देंगे। सेना तैयार, सेना का सेनापति कौन हो, सलूम्बर का सामंत, और सलूम्बर का सामंत इस टाइम जो था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था, खानवा के युद्ध में भी यहां के बंदे का नाम रतन सिंह था, आपको दूसरा रतन सिंह रहा होगा, तीन चार पीढ़ी बाद में नाम वापस आ जाया करते थे, रतन सिंह चुंडावत नाम का कोई लड़का था, वो सलूम्बर का सामंत बना हुआ। उसके पास मैसेज किया गया कि साहब आपको कल सुबह सलूम्बर की सेना लेके अजमेर जाना है, क्योंकि हरावल में तो कौन रहे, सलूम्बर रहे, तो आपको सलूम्बर की सेना लेके जाना है, तब तक अजमेर में घाटी के अंदर औरंगजेब को रोक के रखना है, जब तक कि राज सिंह जी रूपनगढ़ के अंदर अपनी शादी ना कर ले। जिस दिन रतन सिंह के पास ये मैसेज शाम को पहुंचा था कि कल आपको जाना है, उस दिन में खुद रतन सिंह का ब्याह हुआ था, इस रतन सिंह की शादी खुद की उस दिन हुई थी। ऐसे मैसेज आज दिन तक दो ही लोगों के पास गए हैं, या तो रतन सिंह के पास या सुनील शेट्टी के पास। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास गया था, आप में से ऐसा कौन है इसने बॉर्डर मूवी नहीं देखी, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी। हे भगवान, आपको तो जीने के अधिकार ही, मेरा बस तो करे तो मैं श्राप दे दूं, आप आज ही घर पे जाके कौन सी मूवी देखोगे जिन्होंने देख रखी हो उसका रिविजन करो। अरे बॉर्डर कल्ट मूवी है भाई, इंडियन सिनेमा की, वो नहीं देखी तो क्या देगी। पहले हमारे छोटे शहरों में तो वैसे लगा करती थी, दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से 3 दिन के लिए बॉर्डर दिखाई जाएगी, है ना, वो साइकिल वाला घूमता था संदेश से आते हुए गाता वान, तो बॉर्डर मूवी वो है भाई, बॉर्डर देखनी है तो या सुनील शेट्टी के पास मैसेज आया था या रतन सिंह के पास मैसेज। रतन सिंह ने जैसे मैसेज पढ़ा कि कल सुबह आपको युद्ध करने के लिए अजमेर जाना है, रतन सिंह ने कहा आपने तो आज जाए कल, राणा जी की डेली ब्याह होते हैं, मेरा तो एक बार हुआ है। जब उसकी रानी जो थी, जो रतन सिंह था उसकी रानी थी, बूंदी की हाड़ी रानी थी सहल कंवर, क्या नाम था, बूंदी की थी, कहां की थी, और बूंदी में मैंने बताया था हाड़ा होते थे तो हाड़ी रानियां हुआ करती थी। उसको बेचारी को पता चला, उस सहल कंवर को पता चला भाई मेरे पति जो सेनापति है उनके पास ये मैसेज आया है कि लड़ने के लिए अजमेर जाओ और मेरे पति मना कर रहे हैं। तो उसने समझाया रतन सिंह कि आपको इसे नहीं करना चाहिए, आप मेवाड़ के सेनापति हो और आप सलूम्बर के सामंत, और सलूम्बर वालों को ये ड्यूटी इसलिए मिली, ये राइट, ड्यूटी भी क्या कहा जाए, राइट सबसे आगे लड़ने का, सेनापति बनने का इसलिए मिला क्योंकि आपके फोर फादर चुंडा ने कभी प्रतिज्ञा की थी कि वो राजा नहीं बनेगा बल्कि अपने सौतेले भाई को राजा बनेगा और वो हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या रहेगा, सेना। पीढ़ियों से ये परंपरा को आपके बढ़ के निभाते आए हैं, आप इस प्रकार मना नहीं कर सकते, आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। राणा जी ने जब संदेश भेजा है, आप राणा जी के संदेश को मना कैसे कर सकते हो। उसने कहा तू नहीं समझती, राणा जी के डेली ब्याह आते हैं, राणा जी अपने ब्याह के चक्कर में लोगों की सुहागरात कैसे खराब कर सकते हैं, राणा जी को भी तो कुछ सोचना चाहिए, मेरा आज ब्याह हुआ है। पर उस बेचारे ने खूब समझाया उनको और उसको कहा कि भाई यदि तुम नहीं जाओगे तो तुमसे सेनापति का अधिकार छीन लिया जाएगा, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां होगी वो इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा इतना निबड़ा निकल गया था कि युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया लुगाई के चक्कर में, इस चक्कर में हमसे जो सेनापति का अधिकार था वो छीन लिया। उसने मोटिवेट किया तो रतन सिंह ने कहा भाई ठीक मैं चला जाऊं। दूसरे दिन सुबह सुबह घोड़े वोड़े तैयार किए, सेना वेना तैयार की, घोड़े लेके रतन सिंह जी जा रहे, बैकग्राउंड में वापस म्यूजिक चले, जाते हुए लम्हो जरा ठहरो। जैसे ही उस हाड़ी रानी वाले महल के पास आए तो रतन सिंह जी का घोड़ा अपने आप ही रुक गया। रतन सिंह जी ने ऊपर देखा तो रानी जरखों में खड़ी खड़ी देख रही, और रतन सिंह जी ने अपने पास में कोई सोल्जर खड़ा था उसको कहा ऊपर जा, और ऊपर जाके रानी को कह कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे, क्या भेज दे, अंगूठी वंगूठी कुछ ही भेज दे। उसको लगा कि यार कोई चूड़ी अंगूठी कुछ भेज देगी, टाइम पास करेंगे यार थोड़ी देर, कैसे रहा जाए नया नया ब्याह हो रखा आदमी।
वो सैनिक गया, उस सैनिक ने जाकर कहा, रानी साहब रतन सिंह जी नीचे खड़े हैं और आपकी कोई ना कोई निशानी मंगा रहे। हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी जब माँ सीता से मिलने के लिए गए थे तो माँ सीता ने भगवान राम के लिए कंगन भेज दिए थे। क्या भेजे थे? तो उस सिपाही को लगा गया ये भी कोई भाई छोटी मोटी निशानी दे देंगे अपने। वो राजकुमारी सोचती है, वो रानी सहल कंवर सोचती है कि जो आदमी युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे लड़ लेगा, और यदि वहां पे ना लड़ पाया वापस आ गया तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी और कहेगी कि एक युवती की सुंदरता की वजह से उसका पति युद्ध नहीं लड़ पाया था। उसे और याद आता है कि मैं उन बूंदी के हाड़ाओं की वो राजकुमारी हूं जिसकी भुआ ने कभी इस वजह से किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि मेरे फूफा एक युद्ध में हार कर वापस आ गए थे। इसकी रियल भुआ थी जोधपुर में जसवंत सिंह की रानी थी, और राजा जसवंत सिंह जब युद्ध हार कर वापस आया था तो उसने कहा था ऐसे बेलखना पति हो इससे तो अच्छा नहीं हो, और मैं इसको पति मानती थी। कहा एक तरफ मेरी बुआ जो हार के आने पे बंद कर दे दरवाजे, पति को मानने से मना कर दे, एक तरफ मैं जिसका पति युद्ध करने से ही मना कर रहा है। मुझे लगा इस जीवन का क्या मतलब, यदि सुंदरता की वजह से मेरे इस जीवन की वजह से मेरा पति युद्ध नहीं कर पा रहा तो मर जाना बेहतर होगा ना ज्यादा। वो लड़की अपना सिर काट के दे दी। क्या कारण देती है? हम आज दिन तक गाते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतराणी। इस चुंडावत ने उस दिन निशानी मांगी थी और सतराणी ने क्या काट कर दिया था अपना। और कोई एक कवि का उत्साह दुआ के सतरी सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस चुड़ामन मेली सियान इंधन मेलियो सीस। सतरी सेनानी चाही, उस सती से निशानी चाही थी, समर सलुम्बर धीस, समर मतलब युद्ध, युद्ध में जाते हुए सलुम्बर के सामंत ने अपनी पत्नी से निशानी मांगी थी। चुड़ामन मेली सिया, चुड़ामन मतलब चूड़िया कंगन, माँ सीता ने तो कंगन भेजे थे जब निशानी मांगी थी। इंधन मेलियो सीस, इसने तो सिर काट के दे दिया था। वो राजकुमारी कौन थी जो अपने पति की निशानी मांगने पर सिर काट के देती है? कौन थी? चहल कंवर थी। अब जब वो सिर नीचे ले जाके वो सिपाही जैसे गया रतन सिंह ने देखा तब तो रतन सिंह की बुद्धि आ गई, क्या गलती कर दिया। और कहते हैं वो उसकी मुंडी मुंडी इतना इतना सिर कटा हुआ था। रतन सिंह उसके जो राजकुमारी के बाल थे उन बालों को अपने यहाँ पे बांध लेता है। उस अजमेर वाली घाटी में क्या भयंकर लड़ता है वो, औरंगजेब की सेना को कदम आगे नहीं बढ़ाने दिया था, केवल सलुम्बर वालों ने उसने दिल्ली की सेना को पीट पीट के भगा दिया था। यहाँ से राज सिंह आराम से शादीवादी करके राजसमंद लौटे थे। एक दिन कभी राज सिंह चारुमती के साथ में राजसमंद की पाल पर बैठे हुए और अपने शादी से पहले की कहानी सुनाते हैं चारुमती को कि चारुमती हमारी जब शादी हुई थी तो उससे पहले पहले क्या क्या बातें हुई थी, किस प्रकार रतन सिंह और सहल कंवर को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था।